तो आ गए आप लोग, कैसे हो आप लोग? बिल्कुल अच्छे हो गए है ना? मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। अभी जस्टिफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हमने क्या देखना है? आज हमने देखना है मेजरमेंट, यानी मेंसुरेशन बेस पे जो हमारे कुछ मेजरमेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। मेजरमेंट कैसा? मेजरमेंट पैरामीटर, एरिया, इन सब का जो क्वेश्चन होता है, बनता है, उस क्वेश्चन को हम देखेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा थ्योरी पोर्शन बेस है, कोई टेंशन नहीं है, इजी से आएगा। मैंने थ्योरी बताते समय भी, जब मैंने इसका फॉर्मूला कराया था, वहाँ पर भी कुछ डायग्राम बेस आप लोग को बताया था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आइए देखिए, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड। सही बात है, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगुलर फील्ड है विथ मेजरमेंट एज गिवेन इन। क्या बोल रहे हो? क्या हो गया? लेट स्टार्ट नहीं बोला? अरे रुक जाओ रुक जाओ, बोल देता हूँ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हमारा, जो कि है मेंसुरेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। आइए लेट्स स्टार्ट, है ना? आप खुश हो? चलो आ जाओ। देखो तो कह रहा है क्वेश्चन में, हमारे पास एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगुलर है। ठीक है, ये दो फिगर ऐसे हैं, हैव द सेम पैरामीटर, जिनके पैरामीटर सेम हैं। पैरामीटर क्या होता है पता है ना? ये सारे साइड्स का सम, ये सारे साइड्स का सम, पता है? तो पैरामीटर सेम है। विच फील्ड हैज ए लार्जर एरिया, तो इनमें से कौन से फील्ड का एरिया ज़्यादा बड़ा होगा? फील्ड का मतलब मैदान समझो, खुला मैदान। ठीक है, तो कह रहे हैं किसका एरिया ज़्यादा बड़ा होगा। तो देखिए, चलिए ये तो रहा स्क्वायर, इसका एक साइड दिया है, तो सबको हमें पता है कि 60 60 60 सब होंगे। लेकिन यहाँ पर रेक्टेंगुलर में देखिए, एक तो 80 है लेकिन ब्रेथ नहीं पता है ना? तो हम क्या करेंगे, हम इसे करते हैं सॉल्यूशन में। देखिए क्या करेंगे हम, पहले तो हम यहाँ से कुछ भी करके हमें बी निकालना है, जबकि हमारे क्वेश्चन में क्या रखा है, हैव द सेम पैरामीटर। तो हम कर सकते हैं क्या, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ क्या, स्क्वायर, है ना? मैं यहाँ से क्या करूँगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है, टू ब्रैकेट में एल प्लस बी, और इसका क्या होता है यहाँ पर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, फोर इंटू साइड, यही तो होता है ना स्क्वायर का। यहाँ से हमने क्या करना है, इसको खोल लो एक बार, ओपन कर लो, टू एल प्लस में टू बी, है ना, इज इक्वल टू फोर इंटू में साइड कितना है, 60। ठीक है, अब यहाँ देखो L की वैल्यू, जो कि हमारे क्या है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगुलर के लिए L क्या है हमारा, 80 है, तो यहाँ लिख लो 2 इंटू 80 और प्लस में 2b इज इक्वल टू 4 6 240 है। इसके बाद देखिए, अब क्या करते हैं, यहाँ से 82 जा कितना हो गया, 160, तो यहाँ पर रखिए 2b इज इक्वल टू 420 माइनस 160, माइनस कर दीजिए। देखिए यहाँ पर b है, 2b इक्वल टू, माइनस करेंगे तो क्या, ये रहा 0 में से 0 गया 0, ये रहा कितना, 14 में से 6 गया, तो कितना बचेगा, 14 में से 6 गया 4 5 6। जिसे नहीं आता ऐसे क्या करो, देखो जैसे क्या 14 में से 4 गया, तो क्या 10 के अबव, देखो 10 के अबव क्या है, 4 है, तो 4 ऐसा चला गया, बचा 10। ये एक मैं बता रहा हूँ ऐसे, जिससे क्या होता है हमारी कैलकुलेशन धीरे 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 स्पीड बढ़ती है। तो मैं कह रहा हूँ कि 14 में से 6 गया, तो 4 गया 5 6, कितना बचा, 8 बचा, है ना, ये रहा 8, ये रहा 1 में से 1 गया ख़त्म। अब यहाँ से बी इक्वल टू 80, ये इधर आके मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आ गया, 40 मीटर। समझ में आया, यहाँ पर बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 40 मीटर, है ना? समझ में आया, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में ही आएगा। चलो आओ, ये बात समझ में आ गई। और क्या करना है हमने, अब तो हम एरिया निकाल लेंगे, ये कितना आ गया 40 मीटर, अब एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ किसका, स्क्वायर का निकालेंगे। देखो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एस का स्क्वायर, यानी साइड इंटू साइड, है ना? तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, 60 इंटू 60, अरे एस इंटू एस, है ना? तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 6 6 जा 36, ये रहा 0 0, और एरिया किस में होता है, हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है। पहला क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसमें क्या करना है, हमने यही करना है, क्या होता है इसका, एल इंटू बी होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, 80 इंटू 40, है ना, 8 4 जा 24, ये 32 हैं, एक मिनट ये ख़त्म हो गया, 32 सही बोल रहे हो। ठीक है,
ये डबल जीरो है, यहाँ उतार दो, ये क्या हो गया मीटर स्क्वायर है ना। बताया था पहले भी एरिया मीटर स्क्वायर में होता है ना, और पेरीमीटर क्या होता है सिर्फ और सिर्फ मीटर में रहेगा। वैसे भी देखो मीटर मीटर का मीटर स्क्वायर है ना, हो गया मीटर स्क्वायर। यही क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है दोनों में से किसका एरिया ज़्यादा है। तो ये देखो 3200 है, 3600 है, किसका ज़्यादा है, स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है। समझ में आया पहला क्वेश्चन, बिल्कुल ईजी था, कुछ नहीं है। इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये तो है पढ़ा, लेकिन हम लिखेंगे कैसे, हम इसे स्टेटमेंट में लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज लार्जर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे स्टेटमेंट में, बिल्कुल आंसर। समझ में आया पहला क्वेश्चन ये था। सो नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, द एच मिस्टर कौशिक हैज अ स्क्वायर प्लॉट। इसका मतलब एक व्यक्ति है जिनके पास एक प्लॉट है, प्लॉट का मतलब एक ग्राउंड है, फील्ड है, जमीन है, जिस पर वो क्या करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं। अब घर कहाँ बनेगा, घर बिल्कुल बीचों बीच बन रहा है ना। कह रहे हैं कि शी वॉन्ट टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडिल ऑफ द प्लॉट, तो इस जमीन के बीचों बीच उनको घर बनाना है। A garden is developed around the house, और इस घर यानी इस हाउस के सब तरफ उन्होंने गार्डन देना है, गार्डन बनाना है। Find the total cost of developing a garden around the house at the rate of 55 per meter square। कह रहे हैं जो घर है इस घर के सब तरफ उनको गार्डन बनाना है, और गार्डन बनाने में कह रहे हैं एक मीटर, मान लीजिए एक मीटर एरिया है, इसको जो है जो यहाँ पर है, मान लीजिए इतना बड़ा मैं एक एरिया ले रहा हूँ, इतने बड़े एरिया यानी एक मीटर स्क्वायर एरिया का उनको जो है 55 पर मीटर स्क्वायर लग रहा है, मतलब 55 रुपए एक मीटर स्क्वायर का उनको लग रहा है उस गार्डन को बनाने के लिए। तो ऐसे कितना रुपया टोटल खर्च होगा इस पूरे के पूरे गार्डन को बनाने के लिए। समझ में आया क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 55 पर मीटर स्क्वायर है ना। तो 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट उनको 55 मीटर पर कॉस्ट लग रहा है। समझ में आया, 55 पर मीटर स्क्वायर उनका कॉस्ट लग रहा है। ठीक है, तो देखो टैरिस एक मीटर स्क्वायर को बनाने के लिए उनके पास 55 पर मीटर स्क्वायर यानी 55 मीटर स्क्वायर, कैसा स्क्वायर, एक मीटर स्क्वायर बनाने के लिए उस गार्डन को। अब एक मीटर स्क्वायर बनाने का मतलब या तो समझ लो कि एक मीटर स्क्वायर उसमें टाइल्स मान लो बैठाना है, मतलब ऐसे मैं कह रहा हूँ गार्डन में टाइल्स बैठाना है, तो टोटल कितने टाइल्स लगेंगे और कितना खर्च लगेगा टोटल उस ग्राउंड को बनाने के लिए, कितना खर्च लगेगा टोटल उस ग्राउंड में टाइल्स को लगाने के लिए, ऐसा भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, आपके पास एक जमीन है, जमीन के बीचों बीच आपको घर बनाना है और उसके सब तरफ क्या करना है, गार्डन देने हैं। गार्डन देने के लिए एक मीटर स्क्वायर पर आपका खर्च दे रखा है, तो टोटल गार्डन बनाने के लिए कितना पैसा लगेगा ये पूछ रहा है। तो देखिए इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले तो हम पूरे का एरिया निकाल लेंगे, पूरे का एरिया निकाल करके ये छोटा वाला माइनस कर देंगे। जब इसका हम माइनस कर देंगे तो बाहर बाहर का हमें क्या मिलेगा, एरिया मिल जाएगा। तो देखिए एरिया ऑफ गार्डन, ठीक है, गार्डन का एरिया में निकालना है, तब तो कॉस्ट निकालेंगे कितना लगेगा इसमें, तो क्या होगा, अब एरिया ऑफ किसका, ये क्या है बाहर का, क्या है ये स्क्वायर है, कैसे जान गए, क्वेश्चन मतलब लिखा है फिर भी नहीं जानते। ये देखो 25 25 दोनों साइड क्या है इक्वल है, इसका मतलब ये क्या है स्क्वायर है, माइनस एरिया ऑफ इसका है ये रेक्टेंगल का। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो आइए एरिया ऑफ स्क्वायर देखते हैं क्या होगा, 25 into 25 एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या होता है, एस का स्क्वायर है ना, माइनस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू डी, ये होता है। ठीक, आइए एस का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस में एल इंटू बी, एल क्या है यहाँ पर 20 और इंटू में बी क्या है 50 है ना। चलिए 25 का स्क्वायर, देखिए इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको, इसे ध्यान से समझ लेना, 25 into 25, ठीक है, ये देखिए ये सिंबल जिसके थ्रू हम किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, बहुत ही एक लाइन में आंसर आएगा। करते क्या है,
इस साइड को इस साइड से मतलब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा आ गया 25, बचा 2 उसको यहां लिख डालो। फिर क्या करना है, क्रॉस अंदर में ऐसे करना है, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10 10 20 और 2 22, बचा 2 फिर से लिख लो 2। अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, 4 हो गया और ये 2 कितना हो गया 6। देखो एक लाइन में आंसर आ गया, समझ में आया। पहले इस साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कैरी बचेगा उसको लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उस कैरी को उसमें ऐड करके यहाँ लिख देंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और ये कैरी यहाँ पर ऐड कर देंगे। यहाँ पर कितना आ गया 625 माइनस में, ये देखो जीरो को भूल जाओ, 15 टू जा 30 लिख लो 30, अब एक जीरो और ले और भूल गए थे उसको याद कर लो। याद देखो 625 बोल लो, 600 में से 300 जाएगा कितना बचेगा 300 है ना, और ये 25 आ गया 325 था। ये क्या आ गया एरिया ऑफ गार्डन, एरिया है तो किसमें होगा मीटर स्क्वायर होगा, बात समझ में आई। अब क्या करना है, ये तो हमें एरिया निकल गया, हमें निकालना है कि जब हमारे पास एक मीटर स्क्वायर का मतलब एक मीटर कॉस्ट ऑफ, ऐसे लिखो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना लग रहा है 55 रुपीज लग रहा है। तो हमने क्या करना है कि जब एक मीटर का 55 है तो कॉस्ट ऑफ 325 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, एक मिनट में ये आ जाएगा 55, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 17875, ठीक है। ये आ गया इसका टोटल कॉस्ट, मतलब उस ग्राउंड को बनाने के लिए मुझे टोटल कॉस्ट कितना लगेगा, समझ में आई बात, आ गई ना, आ गई। तो क्या करना है मुझे कमेंट करके बता देना, हाँ सर क्वेश्चन मजे मस्त से समझ में आ रहा है क्योंकि हमने थ्योरी पढ़ रखा है, इतना मैसेज कर देना कि हमने थ्योरी पढ़ रखा है इसलिए क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहा है। तो चलो ठीक है, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, मैंने वो थ्योरी पोर्शन में एक चीज बताया था आप लोगों को, शायद याद हो आप लोगों को, ये था कि जो ट्रेपेजियम था है ना, ये रहा ट्रेपेजियम, फर्स्ट थ्योरी था ट्रेपेजियम, तो इसका मैंने बताया था ये ए था, ये बी था और ये क्या था एच था। तो मैंने इसका एरिया आप लोगों को लिखवाया था 1/2 ब्रैकेट में ए प्लस बी और इनटू में एच, यही था ना। उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, क्या वो ये ए नहीं है, यहाँ नहीं रहेगा ये ए रहेगा इसे, मतलब इसका फॉर्मूला होता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है क्या, ये दोनों अपोजिट साइड पैरेलल मतलब हाफ इनटू एडिशन ऑफ टू पैरेलल साइड, ये दोनों पैरेलल साइड का एडिशन इनटू में हाइट यानी एम्पलीट्यूड एडिशन ऑफ टू पैरेलल साइड। तो देखो ए और बी टू पैरेलल साइड्स का एडिशन हो गया और इनटू में एम्पलीट्यूड का मतलब ये है हाइट, समझ आई बात। ये थोड़ा सा उसमें आप करेक्शन कर लीजिएगा, मैंने गलती से यहाँ पर ए लिख दिया था, फिर ये यहाँ पे होगा, समझ आ गया बात। अरे मैंने एस लिख दिया था, हाँ मुझे पता है एस लिख दिया था, कोई बात नहीं एस लिख दो, यहाँ पे वो मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ नहीं यहाँ होगा ये मैटर करता है, बात समझ नहीं। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, ठीक है आ जाओ। तो आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, इसमें क्या है ये देखो, क्या रहा है द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडिल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड, सही बात है, मिडिल में क्या है रेक्टेंगुलर शेप है और एंड में क्या है सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का मतलब हाफ सर्कल, ठीक है। फिर कह रहा है फाइंड द एरिया, एरिया पता करना है एंड द पैरामीटर ऑफ द गार्डन, इस पूरे गार्डन का पैरामीटर और एरिया भी पता करना है, जिसके लिए हमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है 20 - 3 + 3.5 + 3.5 मीटर। देखिए करना क्या हमको इस क्वेश्चन में बेसिकली यही करना है, इस पूरे का एरिया और पूरे का क्या पैरामीटर हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में देखते हैं क्या दे रखा है, बेस इक्वल टू कितना है 7, ये बेस है इस रेक्टेंगुलर का, तो बेस क्या है 7 मीटर, ठीक। इसके बाद हम इसका लेंथ निकालते हैं, तो लेंथ तो गिवन है ऑलरेडी है ना, चलिए लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा कि लेंथ ये इस तरीके से कैसे दिया हुआ है।
ये देखिए, जब हम इसके लेंथ की बात करेंगे, रेक्टेंगुलर के लेंथ की बात करेंगे तो 20 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये इतना अलग है, ये इतना अलग है, बीच का जो होगा ये हमने निकालना है, तो वो कैसे आएगा? तो देखिए करना क्या होता है, ये तो है इधर का सेमी सर्कल और ये एक इधर का सेमी सर्कल, दो साइड का सेमी सर्कल है, तो ये कितना है, ये 7 है, और अगर इसका हम यहाँ से रेडियस निकालें तो रेडियस होता है आर, आर यहाँ पर 7 का हाफ क्या होगा, ये देखिए जब हम रेडियस निकालते हैं तो क्या होता है, डी बाई टू, तो डी कितना है 7/2, यानी कितना आ गया 3.5, यानी यहाँ से यहाँ तक 3.5, फिर यहाँ से यहाँ तक 3.5, ये रहा, ये जो इतना है 3.5 और ये इतना है 3.5, इन दोनों को हम यहाँ तक मान लीजिए ये आ गया 3.5 और ये यहाँ तक आ गया 3.5, तो क्या करेंगे, ये पूरा था 20, पूरा ये पूरा कितना था 20 मीटर था, 20 मीटर में से हम 3.5 को प्लस करके माइनस कर देंगे तो यही तो निकलेगा बीच वाला, यही चीज ये था, अब समझ में आ गई होगी बात, तो लेंथ के लिए क्या करेंगे, यही 20 माइनस, ठीक है 3.5 प्लस में 3.5, देखिए बुक में क्या होता है इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंट में दिया है तो बस हमने वही यूज करना है, ये बात तो सही यूज वही होगा लेकिन थोड़ा दिमाग में आएगा आखिर वो ऐसा कैसे दिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, 20 माइनस 3.5 को करेंगे 7 हो गया, 20 माइनस 7 गया कितना 13 मीटर। अब ये 13 मीटर क्या निकल के आया, मैं इन सबको तो रिमूव कर दूँ, चलो ठीक है कर दिया आदेश आप लोगों का, ये रहा 20 मीटर, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि ये रहा 13 मीटर, 13 मीटर क्या आया, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है ये निकल के आ गई 13 मीटर। अब हमें एरिया पता करना होगा तो हम पता कर लेंगे, है ना। तो चलिए हम देखते हैं ऐसे एक साथ देखते हैं एरिया ऑफ गार्डन। तो देखिए हमने क्या करना है, इसका पूरे का एरिया निकालना है, तो मैं कह दूं कि क्या एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन इक्वल टू एरिया ऑफ किसका प्लॉट, है ना, एरिया ऑफ प्लॉट प्लस में एरिया ऑफ किसका है, ये सेमी सर्कल, है ना, सेमी सर्कल। चलो आओ देखते हैं एरिया ऑफ प्लॉट क्या, नहीं समझा है, अरे इसका एरिया प्लस में इन दोनों सेमी सर्कल का एरिया दोनों को ज्वाइंट कर देंगे तो क्या पूरे का क्या एरिया निकल जाएगा गार्डन का। तो देखो एरिया ऑफ प्लॉट क्या है, ये प्लॉट है तो इसका होता है एल इन टू डी होता है, और प्लस में एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर दो है, ऐसा दो है, यहाँ पर हम टू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो आओ देखते हैं क्या होगा, एल इंटू पी, एल क्या है हमारे पास यहाँ पर 13, है ना, ये एल क्या है 13 × 7 और प्लस में 2 × 1/2 × 27/22 / 7 ये हो गया पाई, आर क्या है 3.5 ना, तो 3.5 आर का स्क्वायर है, 3.5 दो बार लिख देता हूँ मैं, तो ये कितना हो गया 91, टेबल तो याद हो गया होगा आप, तो ये देखिए यहाँ पर कितना हो गया 7 से इसको काटेंगे तो 7.5 जा आएगा, 35 पॉइंट लगा दो तो 0.5 हो गया, अच्छा और कुछ, अब ये 2 से 2 कट गया, अच्छा अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये देखिए यहाँ पर हो गया 0.5 और 3.5, पॉइंट को भूल जाइए, 5 जा 25 बचा 2, 5 जो जा 0 और 2, 5 3 जा 25 बचा 1, है ना, 5 3 जा 0 और ये रहा 1, 5 7 1 1 2, तो यहाँ से 2 ही ऐसे लिख के यहाँ आ गया पॉइंट, अभी कितना आ गया 1.75, अभी क्या बच रहा है 22 से मल्टीप्लाई करना है इसको, 22 से मल्टीप्लाई करना है पॉइंट को भूल जाइए, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14 और 1 15, 2 1 जा 2 और 1 3,
है ना। और देखिए ऐसे ही इसका भी होगा टू से, तो आ गया 0 5 3 है ना, 0 5 5 3 8 हो गया, ये रहा 3। यहाँ पर कितना 2 डिजिट पॉइंट था, आंसर में 12 डिजिट पॉइंट, यानी इसे सब सॉल्व करने के बाद 38.5 ये तो आएगा। 50 का मतलब कुछ नहीं। अब इसको इसमें ऐड करना है तो कैसे करेंगे, देखिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं ऐसे कर देते हैं, 38.5 है तो 91 ऐसे ऐड करते हैं, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 91 पूरा का पूरा पॉजिटिव में है, मतलब पॉजिटिव का मतलब कोई भी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड का नहीं है, राइट हैंड साइड का है, तो हम 91 को ऐसे नहीं लिखेंगे, पॉइंट नीचे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 1 लिखेंगे है ना, और यहाँ 9 लिखेंगे, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 0 लिखेंगे। अब 5 को ऐड करेंगे, 5 होगा, 8 और 1 9 होगा, 9 और 3 11 हो गया, 9 और 3 12 हो गया, 12 हो गया, 12 और ये रहा 1 पॉइंट, मतलब 1 डिजिट पॉइंट, ये रहा आ गया हमारा 129.5 मीटर स्क्वायर, जो कि ये एरिया है। बात समझ आई है ना। अभी तो ये हमारे पास क्या आया, इस पूरे का एरिया निकल के आया, किसका, गार्डन का आया। अब हमने क्या करना है, हमें पेरीमीटर भी निकालना है। पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐसा जैसे हमने किया है ये बिल्कुल नहीं करेंगे पेरीमीटर में। पेरीमीटर निकालने के लिए हमको क्या करना है, ये देखिए यही है पूरा डायग्राम है ना, तो ये देखिए पेरीमीटर का निकालने का मतलब क्या होता है, आउटर सरफेस बाहर बाहर का सरफेस, तो ये जो बीच में ये जो ऐसा है इधर राउंड है इधर राउंड है, बीच में जो लाइन है इसे हमको नहीं लेना है, समझाई पर, जो बीच में ऐसी लाइन होगी ये वाली लाइन इसे हमको नहीं लेना है, सिर्फ बाहर बाहर का हमें प्लस करना है। तो कैसे करेंगे, ठीक है अभी हमारे पास ये वाली लेंथ नहीं है, इसका सर्कल का पेरीमीटर मेरे पास नहीं है, तो हम एक सर्कल का पेरीमीटर पता कर ले, उसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का उतना ही हो जाएगा है ना। तो आइए क्या करते हैं, इसका सर्कल का पेरीमीटर पता करते हैं। तो यहां पर मैं करता हूं पेरीमीटर ऑफ सर्कल, क्या होता है पाई आर होता है, लेकिन यहां पर दो है सेमी सर्कल है ना, ये सेमी सर्कल रहेगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल 2πr हो गया, समझ में आया। अब क्या करते हैं, यहां पर रखो वैल्यू 2 × 22/7 into r क्या है 3.5 है ना, तो ये रहा 3.5, पॉइंट को हटाओ नीचे 10 लगाओ, ये देखो 7 5 जा 35, 5 5 5 5 2 10, 2 2 जा कैंसिल, ये खत्म, बचा 22 मीटर। ये क्या आ गया, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल निकल के आ गया, समझाया, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल ये कितना आ गया 22 मीटर स्क्वायर। अब क्या करना, हमको ये पूरा ऐड कर लेना है, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ गार्डन निकालने के लिए अब क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ गार्डन पूरा निकालने के लिए क्या करेंगे, ये रहा 22 रहेगा ही रहेगा, प्लस में क्या रहेगा, प्लस में ये रहा 13 प्लस 13, ये 13 कहाँ से आए, ये 13 नीचे वाली लाइन, अरे ये पूरी लाइन और ये लाइन ये हो गया, और क्या कर सर 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया आपने, अरे क्यों नहीं किया हूं? ये तो सर्कल में 2 से मल्टीप्लाई कर लेता, हाफ से भी सर्कल था पाई आर होता है, तो 2 का मैंने यहीं पर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसे हम ऐड करेंगे कितना होगा, देखिए 3 3 2 3 3 6 और 2 8 आ गया, ठीक है, उसके बाद 1 2 और 2 4 48, ये क्या हो गया मीटर, ये क्या हो गया इस पूरे गार्डन का पेरीमीटर। बात समझ आई, तो देखिए कुछ नहीं था इसमें, यही था सिर्फ हमने क्या करना था, हमने इस चीज को अच्छे से समझना था, उसके बाद यहाँ से हमने क्या बेस दे दिया, बेस के बाद लेंथ ऑलरेडी गिवन था, नहीं समझ में आया होगा किसी को लेंथ तो ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, यहाँ से हम रेक्टेंगल का लेंथ निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे एरिया ऑफ गार्डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल का एरिया और प्लस में इस सेमी सर्कल के एरिया को ऐड कर देंगे, तब तो टोटल एरिया निकलेगा, यहाँ से हमने एरिया निकाल लिया। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कर रखा है, पेरीमीटर भी कह रहा है निकालने के लिए, तो हम एक पैरामीटर देखते हैं, एक सेमीसर्कल का पैरामीटर होता है पाई आर, तो 2 का कितना होगा 2 पाई आर, यहाँ पर हमने क्या किया 2 पाई आर करके सेमीसर्कल का
पेरीमीटर निकाल लिया 22 मीटर हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, सर्वे पैरामीटर निकाल लिया, ये रहा 22 इन दोनों का और ये 13 और ये 13 सबका मिला के पूरे का गार्डन का पैरामीटर निकल जाएगा। समझ में आ गया बात? चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें क्या है, कह रहा है अ फ्लोरिंग टाइल्स हैज द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये मैंने सिंबल बनाया है पैरेललोग्राम का, अगर मुझे परपेंडिकुलर करना होता है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये पैरेललोग्राम में दो लाइन खींच के ऐसे ऊपर जीएम लिख दीजिए, हुज बेसिस 24 सेंटीमीटर एंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इज 10 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ एरिया 1080 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास कुछ ऐसे ऐसे टाइल्स दे रखा है और हमारे पास एक क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक एरिया क्रॉस फ्लोर है, तो उस फ्लोर को कवर करने के लिए हमारे पास ऐसे ऐसे कितने टाइल्स चाहिए जिससे हमारा 1080 मीटर स्क्वायर एरिया का फ्लोर पूरा पूरा कवर हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि जो हमारे पास अब तक हम डाटाज यूज़ करते थे, उन डाटाज में क्या होता था, हमारे पास यूनिट या तो मीटर में होती थी या मीटर स्क्वायर में होती थी। बट यहाँ के क्वेश्चन में देखिए, जो टाइल्स की डाटा है हमारे पास, वहाँ पर ये बेस तो हमारे पास 24 सेंटीमीटर का रखा है और हाइट हमारा 10 सेंटीमीटर का रखा है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर स्टेप होगा कि क्या इस सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज करना है। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन में देखते हैं क्या करते हैं। ठीक, सॉल्यूशन में मैं देखता हूँ कि जो हमारे पास बेस है, ये बेस कितना है 24 सेंटीमीटर, इसे हमको मीटर में चेंज करना है। कैसे करेंगे, हमारा 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के इक्वल, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, इस 100 को इधर ले कर डिवाइड कर दो, 1/100 मीटर हो जाएगा कितना 1 सेंटीमीटर में। समझ में आया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 24/100, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी मीटर में चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.24 मीटर। कैसे जान गया मैं आंसर, अरे यहाँ से दो डिजिट, दो जीरो है ना, तो वही 24 लिख लो, 1, 2 यहाँ लगा दो पॉइंट, डायरेक्ट आंसर। ऐसे ही हमारे पास हाइट है, हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर, तो इसको मैं डायरेक्ट चेंज कर दूं 0.10 मीटर। हमने अपने डाटाज को अपने सिस्टम्स के अकॉर्डिंग हमने क्या कर रखा है, चेंज कर लिया सेंटीमीटर को मीटर में। और ये सब चेंज करने के सेंटीमीटर, मिलीमीटर, लीटर, किलोग्राम, हेक्टेयर, इन सब के लिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक कभी लेके आऊँगा मौका रहा तो, जिसपे आप लोग को इन सब में कभी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगी। कैसा भी हेक्टेयर वेक्टेयर भी आप चेंज कर डालोगे तो टेंशन नहीं, मैं लेके आऊँगा एक ट्रिक है वो। चलिए ठीक है, यहाँ पर हम इतना ही देखते हैं। अब क्या करना है हमको, हमने इसे चेंज कर लिया, हमें क्या निकालना, हाउ मेनी सच टाइल्स रिक्वायर्ड, तो टाइल्स कितने लगेंगे इस एरिया को कवर करने के लिए। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर हमें इस एरिया को कवर करने के लिए हमें उस एक टाइल्स का एरिया पता करना होगा कि कितना उसका एरिया होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एरिया ऑफ वन टाइल्स इज इक्वल टू, वन टाइल्स का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, बेस इंटू हाइट, एम्पलीट्यूड करते हैं। तो यहाँ से हमारा बेस क्या है, बेस हो गया हमारा 0.2, ये क्या हो गया, चल नहीं रहा है, हैं जवाब दे रहे हो भैया, तुम कैसे जवाब दे दोगे, नहीं चलोगे, चेंज कर देंगे तुमको, बात खत्म, आ जाओ। क्या कर रहे हैं, 0.24 इंटू में 0.10, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी 0.1 सब भूल जाओ, समझो खाई 24 और 10 का मल्टीप्लाई करना है, तो 240 आएगा ना, अरे 0 ही उतर जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, 2 डिजिट इधर है, 2 डिजिट इधर, जिसके बाद पॉइंट लगा, तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और ये रहा 4, यहाँ लगाओ पॉइंट, आगे कुछ नहीं तो 0 डाल दो, बाद वाला 0 मैटर नहीं करता। यानी ये क्या आ गया, एरिया आ गया, किस में आएगा, ये मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है, 0.024 मीटर स्क्वायर। फिर कह रहा है कि कितने टाइल्स चाहिए, तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए नंबर ऑफ टाइल्स को निकालने के लिए क्या कर दूँ, लो इतने 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 ढेर सारा आप लोग फरमाइश करते हो, लो यहाँ कर देता हूँ नंबर ऑफ टाइल्स। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके पूरे एरिया ऑफ किसका फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन में क्या, एरिया ऑफ वन टाइल, है ना,
एरिया ऑफ वन टाइल्स का हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें टोटल नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाएगा। और यही क्वेश्चन में पूछा है, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर कितना है यहाँ पर क्वेश्चन में, 1080, तो 1080 अपॉन में ये एरिया ऑफ वन टाइल्स 0.024, ये आ गया। इस पॉइंट को हटाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, है ना, 1, 2, 3 पॉइंट यहाँ पर था। जब पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के इधर जितने डिजिट थे उतना हम जीरो लगा देंगे और पॉइंट के जगह पर वन लगा देते हैं। इसको जब हम पलटेंगे तो ये क्या होगा, ये 1000 यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई हो करके, समझ में आई बात, ये जीरो और आगे का ख़त्म हो जाएगा, मतलब टोटल हमारे पास इतना आया। अब क्या करेंगे, इसे हम काटेंगे, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसे कट करो, 2 5 जा 10, देखो काटते कैसे हैं, जो डिजिट यहाँ काटेंगे जिस डिजिट से उसी डिजिट का टेबल इधर भी पढ़ेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 हो गया, और 2 4 जा 8 और हो गया 0, फिर 2 6 जा 12, फिर काटो 2 2 जा 4, बचा कितना यहाँ पर 1, ये हो गया 14, 2 7 जा 14, 0 आ गया, 2 3 जा 6 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, अरे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 बचा 1, ये हो गया 2 5 जा 10, अच्छा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 12 अब बचा 1, 3 5 जा 45, है ना, अरे 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 बचा 1, 3 5 जा 15। अब देखो 45 का 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 45000, ये आ गया टोटल नंबर ऑफ टाइल्स निकल के। तो ये क्या था, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स निकल के आया, समझ में आया, कुछ नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझना है, करते चलना है। अगर ये समझ में आया तो आओ एक लास्ट क्वेश्चन इसका देख डालते हैं, क्या आप लोग करोगे इस क्वेश्चन को, अरे रुक जाओ समझा देता हूँ, परेशान मत हो, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, जिसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन ना दूँ वहाँ आप कोई रेफरेंस बुक लेकर के, लाइक RS अग्रवाल, है ना, RD शर्मा, ऐसी कोई बुक लेकर के उसके एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व करो। यहाँ से आपको कुछ, आपको मतलब थ्योरी पोर्शन और कुछ एक्सरसाइज से आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी, है ना। तो चलो ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, आइए इसे भी देख डालते हैं। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, आइए इसे भी देख डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कह रहा है ये क्वेश्चन, मैंने यहाँ पर अलग अलग 3 डायग्राम बना दिए हैं, ठीक है, ABC यहाँ पर 3 डायग्राम मैंने बना दिए हैं, जिसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एन आंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीस ऑफ अ डिफरेंट शेप स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, फॉर विच फूड पीस वुड द एंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड रिमाइंडर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन सी इक्वल टू 2πr, बुक में देखते रहो, बुक में देखते रहो, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो मैंने इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा नहीं, क्वेश्चन कह रहा है एक आंट है, आंट माने आंटी नहीं, आंट माने चीटी, एक चीटी है, और ये सब क्या है, ये सब एक किसी फूड के अलग अलग शेप है, मान लो पकड़ के इधर से काट लिया, पकड़ के यहाँ से आधा चक्कू से काट दिया, है ना, इस शेप में हमने डिजाइन बनाने के मूड में हमने ऐसे काट दिया, तो वो हमारे ऊपर है हमने कैसे काटना, इस बात के लिए हम स्वतंत्र हैं। बताओ सेब खाते हो तो कोई कहता भैया इसे नहीं काटो, स्क्वायर बना के काटो, है ना, उसको आधा करके काटो, ऐसा नहीं, हमारी मर्जी है, ऐसे मन कैसे काटेंगे। तो ये 3 अलग अलग प्राणी थे, है ना, उन्होंने अपने अपने तरीके से इस फल को काटा। देखो करते क्या है, एक कह रहे हैं एक आंट है, काट के उसे रख दिया, अब वो चींटी क्या है, उस पर क्या कर रही है, चल रही है, मान लो यहाँ से चल के इधर आई, इधर चल के ऐसे चल के ऐसे चल के जा रही है, तो वही कह रहा है कि इन सब में से किसमें किस शेप पर चलने पर उस चींटी को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो देखो हमको क्या करना है, ये कोई एक ऐसा पर्टिकुलर शेप तो है नहीं जिसे देख करके हम जान जाएंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पता चल जाएगा कि इसमें चींटी सबसे ज़्यादा चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हम क्या करेंगे, पहले इसका निकालेंगे, सरकमफ्रेंस निकालेंगे, सिर्फ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसका हम सरकमफ्रेंस निकालेंगे। तो सरकमफ्रेंस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल,
ठीक है। होता क्या है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, मतलब सर्कल का वो आउटर वोटर से एरिया, रेक्टेंगल वगैरह में, स्क्वायर वगैरह में पेरीमीटर होता है, वैसे सर्कल में सर्कमफेरेंस होता है, पेरीमीटर नहीं सर्कमफेरेंस होता है, बात एक ही है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालेंगे होता है क्या, ये हाफ सेमी सर्कल है ना, तो यहाँ पर सेमी सर्कल लिख सकते हो, तो पाई आर होता है। तो पाई आर, पाई कितना होगा 22 अपॉन में 7 इंटू आर कितना होगा, ये डी है पूरा, ये डी है ना, तो ये 2.8 है, यहाँ लिख दूँ, चलो ये रहा डी बाई टू, ये क्या निकल के आएगा आर, तो 2.8 अपॉन में 2 यानी 2 7 जा है, देखो 2 1 जा 2 है ना, और यहाँ पर कितना होगा 2 4 जा 8, 1 डी बाद पॉइंट था, 1 डी बाद पॉइंट आ गया यानी 14 यानी 1.4 नॉट 14। अब देखिए इसे क्या कर दो, काट डालो, 7 2 जा 14, 1 डी बाद पॉइंट, 1 डी बाद पॉइंट, ये आ गया 0.2, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो तो ये क्या निकल के आ जाएगा 4.4, क्या आ जाएगा इसका सर्कमफ्रेंस निकल के आ जाएगा। अभी इसका पूरा निकालना है हमें, तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि चींटियां कितनी चल गई वो, तो 4.4 में हम प्लस कर देंगे ये वाली लाइन है ना, जो कि है 2.8 है ना, इसको ये प्लस करने नहीं आता। अजी क्या सीखे हो, कोई बात नहीं अब सीख लोगे, ये लो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाएंगे, 8 4 कितना हो गया 12 के 2, 4 2 6 और 1 7 यानी 7.2, ठीक है, क्या हो गया ये सेंटीमीटर, इतना चीटी चल गई। आओ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसी में क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर इसमें भी क्या करना है, हम पहले इसका निकाल लें, ये हाफ सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, अब तो लिख दिया ना, क्या होता है पाई आर होता है, ठीक है, तो यहाँ से निकाल लो 22 अपॉन में 7 इंटू आर कितना है 2.8 है, इसका हाफ 1. अरे सेम पीछे के जैसा है 1.4 हो गया, कितना आ गया यहाँ से 2 7 जा, बैक आज हो क्या गया है, चाप वगैरह एकदम सब चल ही नहीं रहे हैं। अच्छा ये 7 से कटेगा तो ये आ गया 0.2 है ना, 0.2 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 4.4 आ गया, ठीक है, ये सर्कमफेरेंस निकल गया है सिर्फ। अभी टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, टोटल निकालने के लिए हम ये 4.4 प्लस में है ना, 4.4 प्लस में क्या निकालेंगे 1.5, ये रहा 1.5 प्लस में, यही तो ऊपर लाइन है 2.8 है ना, और प्लस में फिर ये वाला लाइन 1.5, इन सबको प्लस कर लेंगे, कैसे करेंगे देखो लिख लो 4 4 1 5 2 8 1 5, अरे गाना मत गाओ है ना, रुके रहो करो 5 5 10 8 18 18 ऑफ 4 कितना 22 के 2 बचा 1 1 1 2 2 4 4 8 8 और 2 कितना बताओ 9 10, जी बिल्कुल 1 डिजिट पर पॉइंट यहाँ पर, तो आ गया ये 10.2 सेंटीमीटर। आ भैया इस पर भी देख लेते हैं चीटी कितना चल गई, बताओ एक चीटी चल गई और हमें यहाँ पर सवाल करना पड़ गया, क्वेश्चन करना पड़ गया, वाह रे चीटी। इसका देखो यहाँ पर हमारे पास दोनों साइड ये तो गिवन है, लेकिन इसका सरकमफेरेंस हमारे पास नहीं है, क्या कह रहे हो वो ऊपर सरकमफेरेंस है, अजी नहीं वो इसका एक तरीके से डायमीटर दे रखा है, समझ में आई बात, तो आओ सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, डायरेक्ट सर्कल लिख दे रहा हूँ मैं, लेकिन सेमी सर्कल होता जाने रहो, अरे लिख दूँ लो सेमी सर्कल, नहीं तो कहोगे गजब हैं गुरु जी। आओ क्या करते हैं पहले इसका निकालते हैं, तो क्या होता है पाई आर है ना 22/22/7 इंटू में आर क्या है हमारा, यहाँ पर आर हमारा वही चीज़ हो गया 1.4 होगा, ये बार बार वही चीज़ दे रखा है, ये हो गया 0.2 आ गया 4.4 है ना, ये आ गया हमारा 4.4, ये इसका सर्कमफेरेंस हो गया। अभी ये और ये इसे भी ऐड कर लो, टोटल में अगर हम करेंगे तो टोटल में 4.4 प्लस 2 प्लस 2 इन सबको ऐड कर डालेंगे तो कितना होगा, अब यही देखो आगे ऐड करना नहीं आएगा बहुत लोगों को, ये रहा 2 ये रहा 2, इसके पीछे लगाओ पॉइंट, जहाँ कुछ नहीं वहाँ लगाओ 0, आ गया 4 4 और ये 4 8 यानी 8.4 आ गया, ठीक है 8.4, इस तरीके से करते हैं।
पॉइंट अगर है आगे डिजिट तो उसको पॉइंट के बाद लिखो, नहीं है तो पॉइंट के आगे या पॉइंट लगा के जीरो लिख दो। इस तरीके से ऐड करेंगे। ये क्या आ गया हमारा सेंटीमीटर। जरा बता दो तीनों में से चींटी किस शेप पर ज़्यादा चली है, अब तो बता ही सकते हो, है ना। हो गए हो इंटेलिजेंट, कतई क्या हो गए, जहर हो गए हो, नहीं इंटेलिजेंट हो गए हो। तो देखो ये रहा 10.2, ये इन सब से, इन दोनों से ज़्यादा है, इसलिए चींटी सबसे ज़्यादा इस शेप पर चलेगी। बात समझ में आई। चलो यहीं पर फिनिश होता है हमारा एक्सरसाइज। कौन सा था ये हमारा एक्सरसाइज? एलेवन पॉइंट वन, ठीक है। यहीं पर हमारा फिनिश होता है एक्सरसाइज 11.1। अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में हम देखेंगे 11.2। अच्छा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। ऐसे क्यों करोगे आप लोग? मुझे मोटिवेट करने के लिए, ताकि मैं डेली अपडेट रहूँ, आपको डेली वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँ, ठीक है। चलो चलता हूँ, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपडेट रहो, ध्यान रखना।